What we have discussed in our last class? Negative sentence. Okay? Today we are going to start our chapter 4. That is nouns. What is noun? For example, my name is Ashish. मेरा नाम क्या है? आशीष है. तो आशीष किसका नेम है? किसी बॉय का नेम है. तो आशीष क्या बन गया? आशीष क्या है? एक नाउन है. ओके. रशिया इज ए बिग कंट्री. तो रशिया क्या है? एक प्लेस है. और कंट्री भी क्या है? एक प्लेस है. तो अपन इनको क्या कहेंगे? नाउन. क्या कहेंगे? नाउन. ही नेम हिज डॉग टीजर. ही नेम इज डॉग टीजर. तो डॉग एंड टीजर क्या है? एक एनिमल है. क्या है? एनिमल. तो ये भी क्या है? एक नाउन है. द वेल वॉज लास्ट सीन इन द इंडियन ओकियन. इंडियन ओकियंस. जो वेल है, वेल क्या है? एक एनिमल है. वेल क्या है? एनिमल है. ठीक है. तो ये क्या है? नाउन है. इंडियन ओकियंस. तो ये क्या है? एक ये क्या है? नाउन है. ए टाइगर जंप्ड ओवर द डियर. तो टाइगर एंड डियर ये भी क्या है? एनिमल है. तो ये भी क्या है? नाउन है. ए नाउन इज ए नेम गिवन टू पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और एन आइडिया. जनरली ए नाउन इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कि ए नाउन इज ए नेम गिवन टू ए पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और एन आइडियाज. कि ऐसा नेम जहां पर किसी पर्सन का नेम दिया हो या फिर किसी प्लेस का नेम दिया हो या फिर एनिमल या आइडियाज, तो ये सब क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. जैसे आशीष. आशीष क्या है? एक पर्सन का नेम है. आशीष क्या है? एक पर्सन है. रशिया क्या है? प्लेस है. डॉग क्या है? एनिमल है. ठीक है. डॉग क्या है? एनिमल है. ठीक है. तो ये सब क्या है? नाउन्स है. क्या है ये? नाउन्स है. नाउन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. सो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे सभी नाउन्स के बारे में. दिस इज चैप्टर. In this chapter, we will learn about the common, proper, abstract and collective noun. So, अपन one by one जो है सभी nouns के बारे में discuss करेंगे. तो देखिए, common noun क्या होता है? Common noun क्या किसे कहते हैं? The general name given to a person, place, animal or a thing which denoted a categories is called a common noun. ऐसा नेम जहाँ पर किसी को पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का एक कॉमन वर्ड दिया हो. क्या दिया हो? एक कॉमन नेम दिया हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन. क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट द बॉयज प्ले. तो बॉयज क्या है? बॉयज क्या है? पर्सन है. क्या है? बॉयज पर्सन है. और बॉयज का किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम नहीं दिया गया है, इसलिए बॉयज भी क्या हो गया? एक कॉमन वर्ड हो गया. क्या हो गया? बॉयज तो कॉमन वर्ड हो गया. तो बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है. क्या है? बॉयज कॉमन नाउन है. द पीपुल कैम टूगेदर एट द मार्च. तो पीपुल क्या है? पीपुल क्या है?
पीपुल एक पर्सन है, क्या है पीपुल? पर्सन है। अब अपने को किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की गई है, पीपुल लोगों में तो बहुत से लोग आते हैं, तो ये पीपुल भी क्या है, एक कॉमन वर्ड हो गया। क्या हो गया पीपुल? एक कॉमन वर्ड हो गया। तो ये पीपुल क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है पीपुल? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर नाउन, क्या है? प्रॉपर नाउन, द स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन प्लेस एनिमल और ए थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। ऐसा नाउन जिसे पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग को प्रॉपर नेम दिया गया हो उसे अपन कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे बेटा? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे देखिए राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, तो राम और श्याम ये क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। तो अपने को पता लग गया ना कि बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसे होता ही एंड शी आर बेस्ट फ्रेंड, तो ही और शी का पता नहीं होता कि ही कौन है और शी कौन है, बट अपने को यहाँ पे तो क्या है कि पर्टिकुलर बॉय का पता लग गया, पर्टिकुलर पर्सन का पता लग गया, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज ए बिग सिटी, बिग सिटी क्या है? कोलकाता है। तो जाए कोलकाता है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। तो कोलकाता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया कोलकाता? प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन, क्या है? कलेक्टिव नाउन, ए नाउन दैट नेम ए कलेक्शन और पीपल एनिमल बर्ड्स और थिंग इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे जो किसी पीपल का ग्रुप हो या फिर किसी एनिमल्स का ग्रुप हो या फिर बर्ड्स का ग्रुप हो या फिर किसी थिंग का ग्रुप हो, तो ग्रुप को क्या कहेंगे अपने? कलेक्टिव नाउन, ठीक है? चलो सम टाइम वी गिव ए सिंगल नेम टू ए ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल बर्ड और थिंग, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं कि किस किस को अपन कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड ए टीम, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे अपन? टीम कहेंगे। क्या कहेंगे प्लेयर्स के ग्रुप को? टीम कहेंगे। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है टीम? कलेक्टिव नाउन है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड ए क्लास, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या होता है? स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, तो उसे क्या कहेंगे? क्लास। ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ए बकेट, ठीक है? जो फ्लावर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? बॉकेट। क्या कहेंगे? बॉकेट, ठीक है? हियर टीम क्लास एंड बॉकेट आर कलेक्टिव नाउन, जो टीम और क्लास और बॉकेट क्या होते हैं? ये हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे इनको अपन? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है? सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, कुछ और एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। जैसे देखिए पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल, जो लोगों की जो भीड़ होती है वहां भी क्या होता है? ग्रुप होता है। किसका? लोगों का एक ग्रुप होता है, तो उस क्राउड को भी क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सर्कल ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड सर्कल ऑफ फ्रेंड, तो सर्कल किसे कहेंगे? जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है, मतलब फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है जहाँ पे कुछ कुछ फ्रेंड एक साथ होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, तो वहाँ उसको अपन क्या कहेंगे? उनको भी क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है? बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बैंड, ठीक है? तो वो भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है?
कोर ऑफ सिंगर्स, ए कोर ऑफ सिंगर्स, तो ये भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए एनिमल्स एंड बर्ड्स, हियर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहेंगे, हियर्ड, और वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कॉलोनी ऑफ आंट्स, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पैक ऑफ वॉल्व डॉग्स, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। स्वार्म ऑफ बीज, फ्लाइट, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, थिंग्स में देखिए क्या क्या आता है, ए लिस्ट ऑफ नेम्स, मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे नेम होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, इसे भी क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ की का जो बंच होता है, ग्रुप होता है, उसे भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बंच ऑफ ग्रेप्स का भी बंच होता है, ग्रेप्स के ग्रुप को भी क्या कहते हैं, बंच, तो उसे भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं उसे क्या कहेंगे, गैलेक्सी, तो वो भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है बेटा, वो कलेक्टिव नाउन होता है ना। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन दैट स्टेट एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और ए कंडीशन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी हैव ओनली एक्सपीरियंस देम। ठीक है, जैसे आइडियाज होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, फीलिंग होती है, या फिर कुछ कहीं कुछ कंडीशन होती हैं, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए एग्जांपल, राघव क्राइड आउट इन पेन, तो पेन क्या है, एक फीलिंग है। कैसी फीलिंग है पेन, एक सैड फीलिंग है, तो ये भी क्या, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेहा हैज ग्रेट सिंपैथी फॉर द पुअर, तो सिंपैथी क्या है, ये भी एक फीलिंग है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इन दिस सेंटेंस पेन एंड सिंपैथी आर नाउन दैट रेफर टू ए कार्टन फीलिंग और इमोशन। जो पेन और सिंपैथी है, ये क्या है, फीलिंग और इमोशन है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। दिस नाउन कैन नॉट बी सी और टच एंड कैन ओनली बी फेल्ट, दिस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिसको अपन देख नहीं सकते, फील नहीं, ऐसे नाउन जिसे देख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या अपन दुख को कभी देख सकते हैं, क्या टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हैप्पी को देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेन को देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, तो ये भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे ही कहते हैं जहाँ पे किस उस चीज को देख नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी कौन कौन सी हो सकती है, ब्यूटी, सॉफ्टनेस, होनेस्टी, विजडम, काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस, ये सब क्या होती है, क्वालिटीज होती है। एक्शन एंड इवेंट, प्रोग्रेस, मैरिज, आर्ग्यूमेंट, मूवमेंट, लॉटर, ये सब क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशन, पॉवर्टी एंड सिकनेस, बॉयहुड, हेल्थ, स्लेवरी, ये सब क्या होते हैं, एक कंडीशन होती है ना। फीलिंग देखो कौन कौन सी हो सकती है, एक्साइटमेंट, प्लीजर, फियर, जॉय, सैडनेस, ये सब क्या होती है, एक फीलिंग होती है।
आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, थॉट, ड्रीम, बिलीव, कल्चर एंड किंगडम, ये सब क्या होते हैं, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, काफी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है फिफ्थ पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।